माई टॉपिक इज पीआर, टॉप पीआर एजेंसी इन द वर्ल्ड, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्टली द चैनल वी मीडिया में स्टार्ट करना चाहती हूँ. चैनल वी स्टेडियम बेसिकली मैं फाइव टॉप चैनल, फाइव टॉप पीआर एजेंसी और उनकी साइट लेकर आई हूँ जिनका वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्रेज है. लाइक सेलिब्रिटीज से लेके हम लोग किसी मीडिया इंस्टीट्यूट की बात कर ले, किसी भी कोई कंपनी की बात कर ले, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर ले, किसी भी चीज की बात कर ले, बट इन वर्ल्ड वाइड पीआर एजेंसी से सब कनेक्ट होना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम चैनल वी मीडिया. ये न्यूयॉर्क बेस्ड, न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड फर्स्टली पीआर एजेंसी है. पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस ये प्रोवाइड करती है. 2008 की है. फर्स्टली ये अवार्डेड विनिंग है यूएस स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन एंड पीआर एजेंसी में. ये जो पीआर एजेंसी है ना, ये सिर्फ लार्ज ब्रांड के लिए होती है बेसिकली, बट हाँ इसमें छोटे छोटे ब्रांड भी हो सकते हैं. लार्ज ब्रांड से क्या मतलब हो सकता है? लार्ज ब्रांड से ये मतलब हो सकता है कि कनेक्शन जो होता है, लाइक आज के समय में लॉरियल पेरिस हो गया या फिर ट्रेसमी हो गया, ये ब्रांड क्या चाहते हैं ना, ये ब्रांड चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो, हमारा एडवर्टीजमेंट हो. लेकिन वो लोग छोटे छोटे पीआर एजेंसीज को अपने कनेक्शन में नहीं रखना चाहते. क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बड़ा पीआर एजेंसी से कनेक्शन रखते हैं तो वहां बड़ा लेवल तक जाएगा, लाइक वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाएगा. और अगर हम छोटा पीआर एजेंसी से कनेक्शन रखते हैं तो वो सिर्फ एक डोमेस्टिक लेवल तक जाएगा. ओके, सो डोमेस्टिक डोमेस्टिक लेवल से ज्यादा तक जाता है ये. नेक्स्टली इसकी स्पेशलिटीज होती है, लाइक ये मीडिया आउटरीच तक भी जाता है एंड अलग 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 वेबसाइट्स तक जाता है. मोबाइल डेवलपमेंट इसकी स्पेशलिटीज है और प्लानिंग स्ट्रेटेजी है. कंटेंट क्रिएशन व्हिच इज नाउ अर्थ स्ट्रेटिंग नाउ. सोशल मीडिया, B2B, प्रोडक्ट लॉन्चेस, टेक्नोलॉजी, लीड जनरेशन, पोजीशनिंग एंड मैसेजिंग, यूएस लॉन्च. फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पहले पब्लिक रिलेशन में नहीं आता था, अभी अभी आने लगा है. क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही आज हम मास मीडिया तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये है कि पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पब्लिक रिलेशन में पहले नहीं मेंटेन हुआ करती थी सिवाय रिलेशंस के. पब्लिक रिलेशन एजेंसी और उस साइड का यही था कि सिर्फ हमें मेंटेन करना है रिलेशनशिप विद पब्लिक, दैट्स इट. लेकिन आज की डेट में नॉट ओनली पब्लिक रिलेशन तक लिमिटेड, इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्चेस, टेक्नोलॉजी में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है. और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल ये पांच बेस टॉप वर्ल्ड वाइड में पीआर एजेंसी में लेकर आई हूँ. एंड सोशल मीडिया के जरिए तो हम जानते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब के जरिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी एज कम्पेयर टू टेलीविजन शो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ST टाइम्स ये एग्जाम्पल है. ST टाइम्स वी नो कि एक वेरीफाइड मैगजीन है. इसमें जो स्लिंग शॉट है वो एक नया वर्जन लेकर आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे हम न्यू जो हम मतलब एक न्यू कॉर्पोरेट है जिसमें हम अलग अलग ब्रांड्स को लॉन्च करने वाले, ठीक है, जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो. सो ये SD टाइम के साथ तो इन्वॉल्व थी ही. SD टाइम इज अ मैगजीन, वर्ल्ड में मतलब फेमस मैगजीन है ये, तो इसके साथ तो इन्वॉल्व था ही. इसके साथ साथ उसके अंदर जो स्लिंग शॉट लेकर आया था उसके साथ भी ये PR एजेंसी कनेक्ट हो गई थी. तो इसका पब्लिक रिलेशन कहाँ तक है ये हम लोग सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा है. जस्ट फूड, ये मीटलेस फार्म इज अ स्टार्टअप वेयर मतलब छोटे छोटे जो ग्रास लेवल पे या फिर छोटे छोटे जो बिजनेस है, बर्गर्स हो गया यूएस लेवल पे, जो कि बर्गर्स ज्यादा फेमस है यूएस लेवल पे, मतलब यूएस में बर्गर्स ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं, तो मीट का भी ज्यादा वहाँ पे उपयोग होता है खाने पीने में. तो उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग मीटलेस क्यों ना हम लोग मीटलेस खाना प्रोवाइड करें. तो उन्होंने मीटलेस फार्म मतलब सब्जियों को उगाना डायरेक्टली, सब्जियों को उगाना, ज्यादातर सब्जियों को खाना, सब्जियों को प्रोवाइड करना, ये सब से शुरू करो. तो इसका भी एक एडवर्टीजमेंट जो था वो आया था हमारा अंडर दिस पर्टिकुलर पीआर एजेंसी. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज BPM पीआर एजेंसी. नाम से तो हम लोग पता लगा ही सकते हैं, दैट इज ब्यूटिफुल प्लानिंग मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन. ब्यूटीफुल प्लानिंग का मतलब ये भी कि एक सुंदर है, दैट इज शार्प प्लानिंग करते हैं लोग, शार्प प्लानिंग मार्केटिंग रहती है इनकी, पब्लिक रिलेशन के साथ रहती है. सो ये न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड है. ब्यूटीफुल प्लानिंग मार्केटिंग का सिर्फ ये है, ये एक मतलब ये PR जो फर्म है इनका ये एक मोटिव है कि
कि हम ऐसी पीआर एजेंसी बनना चाहते हैं जिसमें ना सिर्फ एक चीज तक सीमित रहे, हजारों चीजें होनी चाहिए। ऐसी ऐसी कोई